दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई कॉलेज स्टोरिया डॉट इन। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में, कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसिलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसिलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस एकेडमी जे, और आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं AMC इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। और इस कॉलेज का मैं फुल इन डेप्थ रिव्यू करके बताऊंगा आपको कि उस कॉलेज में एडमिशन आपको वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा। स्टूडेंट का भी रिव्यू आपको दूंगा जो कि करंटली उस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। सो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, इस वीडियो को अभी लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम कैंपस स्टार्ट करते हैं। कैंपस स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, बैंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है, नियर वनरघट्टा नेशनल पार्क है, जहां पे सिचुएटेड है आपको, नियर टू वनरघट्टा नेशनल पार्क। प्राइवेट कॉलेज है, नॉन ऑटोनॉमस है, वीडियो से एफिलिएटेड है, AICTE NBA अप्रूव्ड है। 52 एकर्स का कैंपस है, लाइब्रेरी मिल जाता है, कैंपस आपको लैब्स मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, जिम मिल जाता है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी है, साथ में शटल सर्विस भी मिल जाता है। मैं कैंपस से कुछ पिक्चर दिखाता हूं, आप कैंपस का पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके कैंपस का पिक्चर आप देखिएगा, आप कैंपस देखिएगा, तो एक चीज नोटिस कीजिए कि इनका जितना भी मोर पिक्चर जो है, मतलब मेजोरिटी, मतलब आप 100% में से 95% मांग चल सकते हैं कि इनका जो पिक्चर दिखाया जाता है वो इसी बिल्डिंग का दिखाया जाता है, इसके अलावा ज्यादा मोस्टली कुछ नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि इनका जो मेन फोकस है उनका ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसके अलावा इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो मुझे बच्चों ने बताया है ये कैंपस के बारे में, कि इनका जो मेन फोकस है, इनका जो मेन, जो हम मेन प्रचार करने का तरीका है, मेन जो इनका है कैंपस, वो इनका सिर्फ एक बिल्डिंग इस टाइप का, ठीक है। बाकी इनके पास ना उतना बड़ा ग्राउंड है, ना उतना अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एक आगे में लॉन एरिया है, उसी में सब कुछ होता है, फेस्ट जो भी वगैरह होगा, जो भी एक्टिविटी वगैरह होता है, सब कुछ उसी में होता है, ठीक है। तो ये बात आपको देना है। तो कैंपस का एरिया बड़ा भले है, बट उसको अच्छा से इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है, उसमें बस बिल्डिंग इन्होंने बना रखा है चारों तरफ से और बीच में एक लॉन एरिया दे रखा है, ठीक है। बात करते हैं NIF रैंकिंग है, तो इसको 2020 में बीटेक के लिए 251 रैंकिंग मिली थी NIF रैंकिंग के लिए, तो उतना अच्छा रैंकिंग भी नहीं है, ठीक ठाक है बस, ना ज्यादा खराब बोलूंगा ना ज्यादा अच्छा बोलूंगा, ठीक है, लोअर रैंकिंग ही है, क्योंकि 330 ही कॉलेजेस आते हैं NIF रैंकिंग अंदर और इसको 251 मिली है। बात करते हैं कोर्सेज का, कौन कौन से आप कर सकते हैं, आप BE कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। बात करते हैं BE के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा हमारा इंजीनियरिंग को लेकर ही होगा, तो BE के लिए आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा 10+2 PCM के साथ, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपको 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में, तभी आप इसमें एलिजिबल होते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। अगर आपको 45% से कम होता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते इंजीनियरिंग करने के लिए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं कैसे कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो कॉमेडिकल्स के थ्रू जा सकते हैं आप, KCET के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कॉमेडिकल उन बच्चों के लिए जो कि कर्नाटका से हैं और कर्नाटका के बाहर के हैं, और KCET उन बच्चों के लिए जो कि कर्नाटका के हैं, स्पेशली जिनका डोमिसाइल कर्नाटका का है। और अगर आपको इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिलता है, आपने इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन जा सकते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन जाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनसे जाकर एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे, तो जब सब कुछ फी वगैरह जो भी प्रोसीजर है सब कुछ बात कर लीजिएगा उनसे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए। बात करते हैं कौन कौन से स्ट्रीम्स मिलते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इतने सारे ब्रांचेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस का 240 सीट्स है, IT का 120 सीट्स है, ECE का 180 सीट्स है, AI & ML का 60 सीट्स है, एरोनॉटिकल का 60 सीट्स है, तो इन्हीं सीट्स पे डिविजन होता है गवर्नमेंट के, KCET और डायरेक्ट एडमिशन सभी बच्चों का। हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं, बॉयज हॉस्टल के पास 500 बेड्स है इनके पास, और सिंगल ऑक्यूपेंसी है, साथ में शेयर रूम्स मिल जाता है, और कैंपस के अंदर में ही हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल का आपको 200 बेड मिल जाता है गर्ल्स हॉस्टल में, जिसमें आपको शेयर रूम्स और आपको कैंपस के अंदर में हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी का नहीं मिलता है फैसिलिटी, बट हम बॉयज भी हमको मिलता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़। बात करते हैं कट ऑफ कॉल में, तो कॉमेडी लास्ट ईयर कट ऑफ में बात करूँ 2021 का क्लोजिंग रैंक, तो कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 43,694 पे, IT क्लोज हुआ था 37,860 पे, ECE क्लोज हुआ था 36,894 पे, और AI & ML का क्लोज हुआ था 26,484 पे। देख सकते हैं ये सारे जो कट ऑफ है आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ कॉमेडी का है,
ये क्लोजिंग रैंक है, उतना अच्छा कट ऑफ नहीं होता है इनका, बहुत नीचे तक चला जाता है कट ऑफ, ठीक है, तो नीचे बहुत लोअर रैंक भी है तब उसमें अच्छा अच्छा ब्रांचेज मिल सकता है। बट स्टिल आप देख लीजिए इस कॉलेज का पूरा पूरा रिव्यू, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा इसमें परमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो फी के बारे में बात करते हैं, तो इसका एकेडमिक फी आपको एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह सब कुछ मिला के लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 1.7 लाख पर एनम लग सकता है, 1.75 लाख पर एनम, ठीक है। और हॉस्टल और मेस फी मतलब अकोमोडेशन फी यहाँ पे आपको 1.29 लाख पर एनम लग सकता है, ठीक है। तो हम अगर एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो 4 साल में लगभग आपको 2,16,000 खर्च हो सकता है, ठीक है, 4 साल में। तो अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 12.16 लाख में आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा फी ज्यादा हाई नहीं है, फी बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है, फी एज कम्पेयर टू द कॉलेज बहुत कम है, ठीक है। तो फी यहाँ पे मैं बोलूंगा एक अच्छा यहाँ पे इन्होंने रखा है, फी ज्यादा हाई फाई नहीं रखा है इन्होंने, बट देखते हैं कि स्टिल इस ईयर का फी कितना आता है। इस ईयर का फी अभी तक नहीं रिलीज हुआ है, तो इस ईयर का फी हम देखते हैं कॉमेडी के थ्रू कितना आता है, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे और आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का डेटा देखिए, इसका एक चीज नोट किया जाएगा कि इनका प्लेसमेंट का डेटा आप इनका वेबसाइट पर जाएगा तो इनका प्लेसमेंट का कोई टैब ही नहीं है, ठीक है। आप इनके वेबसाइट पे इनका प्लेसमेंट देख ही नहीं सकते, इनके पास प्लेसमेंट दिखाया नहीं है इन्होंने, कोई डिटेल दिखाया नहीं है, ठीक है, वेबसाइट पे इनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो हमें इनके वेबसाइट के थ्रू प्लेसमेंट नहीं मिला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने आउटसोर्स से कोशिश किया पता करने का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पता किया, तो मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज जो है 12 लाख पर एनम लगा इस ईयर, और एवरेज पैकेज रहा 4.2 लाख पर एनम। तो उतना अच्छा डेटा नहीं है ना हाईएस्ट पैकेज में ना एवरेज पैकेज में, और सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इनका प्लेसमेंट का दिखाया नहीं गया वेबसाइट पर। तो क्लियरली बात यह है कि इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तभी उन्होंने दिखाया। तो हम बात करते हैं आगे, ये देखिए सेक्टर वाइज दिखाया गया कि कौन कौन सेक्टर का यहाँ पे कैसे कैसे प्लेसमेंट हुआ। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग का हुआ है, सबसे कम हुआ जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वगैरह का होता है, ठीक है। और ये सारे इनका स्टार रिक्रूटर से हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप, कॉग्निजेंट, फ्लिपकार्ट, IBM, इन्फोसिस हो गया, फिर आपको विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, ठीक है। ये सारे इनके स्टार रिक्रूटर से, मतलब ये सारे कंपनी यहाँ पे मोस्टली आते हैं। तो ये हमने इस कॉलेज के बारे में सब कुछ बात कर लिया, कैंपस फी, प्लेसमेंट, हॉस्टल वगैरह सब कुछ के बारे में हमने बात कर लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, अब इस रिव्यू को देखकर इस कॉलेज में लेना चाहिए आपको एडमिशन या फिर नहीं लेना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन रहेगा। देखिए मैं अपने ओपिनियन देने से पहले मैं आपको बच्चे को ओपिनियन देने वाला हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट जो है 2021 में, उन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था और मुझे पर्सनली उन्होंने कॉल किया एक दिन कि भैया अगर आप AMC कॉलेज पे रिव्यू वीडियो बनाना, अगर आप किसी बच्चे को रिव्यू देना इस कॉलेज के बारे में, कोई बच्चे इस कॉलेज के बारे में पूछेगा तो इन बातों को बोल देना। तो उन बातों को मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी लिपापोती मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही क्लियरली कुछ कुछ बातें बोली जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले बात उन्होंने ये रखा कि यहाँ पे इस कॉलेज में ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होता है, होता भी है तो बहुत दिन पर होगा, बहुत रेयरली होगा, ठीक है। तो इनका फेस्ट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह इवेंट है वो उतना नहीं होता, बहुत कम होता है, रेयरली होता है, ठीक है, और होगा भी तो बहुत दिनों पर होगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि यहाँ पे प्लेसमेंट का भी डेटा अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट मैं सुन रहा हूँ अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ही एवरेज पैकेज रहता है, उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहा है। और हम देख सकते हैं क्लियरली कि इनके वेबसाइट पर भी प्लेसमेंट नहीं दिखाया गया, तो क्लियरली बात यह है कि अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इन्होंने नहीं दिखाया, ये दिखाना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने बताया, जो कि थोड़े गुस्से में बताया, वो रिग्रेट कर रहे हैं इस कॉलेज में आने के बाद, मैं देखिए ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है। तो वो रिग्रेट क्या कर रहे हैं कि ये जो कैंपस दिखाया गया है वो उनके सिर्फ एक बिल्डिंग ही है जो इनका मेन फोकस है, ठीक है। तो मेन फोकस बिल्डिंग है और वही सबको दिखाते हैं ये लोग, सबका वही रहता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा उन्होंने बोला कि ये कॉलेज VTU से अफिलेटेड है, तो इसमें ज्यादा ना हॉलीडे मिलता है, ना ज्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत ही हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। और एक बात और है कि आपको ये बैंगलोर सिटी से दूर में है, ठीक है, आपको बैंगलोर सिटी से दूर में पड़ता है ये कॉलेज। बैंगलोर सिटी में आप जाना चाहेंगे तो स्पेशली आपको प्लान करके जाना पड़ेगा, ऐसे वॉक पे जैसे नहीं चले जा सकते, ठीक है। तो ये सारे चीजें उन्होंने बताया। अब देखिए मेरा कोई ओपिनियन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उन्होंने एक क्लियरली बात बोला कि भैया किसी भी बच्चे को मत बोलिएगा कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कोई बच्चे को ये कॉलेज मत रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा बात नहीं है, मेरा इस कॉलेज से कुछ हेट नहीं है, ठीक है, जो ऑनेस्ट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो ऑनेस्ट रिव्यू मुझे बच्चों से मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप मिसगाइड ना हो, आप ये वो बच्चे जो फील कर रहे हैं वो आप फील ना करें आगे, क्योंकि आपने पैसा देना है इसमें कॉलेज में, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरा क्या ओपिनियन रहेगा, देखिए सबसे पहली बात तो मैंने भी ये नोटिस किया है कि इनके जो वेबसाइट है उस पे लिपापोती की गई है, इनका प्लेसमेंट नहीं दिखाया गया। सबसे बड़ा चीज जो होता है किसी भी कॉलेज का उसका प्लेसमेंट होता है, वही चीज उन्होंने नहीं दिखाया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट नहीं होगा, जिस तरह से बच्चों का रिव्यू है, जिस तरह से मैंने देखा है, ठीक है, ना प्लेसमेंट दिखाया गया, ना फीस दिखाया गया है, ठीक है, कैंपस भी दिखाया गया तो सिर्फ वो एक बिल्डिंग दिखाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया इसमें। तो मेरे हिसाब से इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट नहीं होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, मैंने आपको स्कूल बता दिया, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगा इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। मेरे हिसाब से इस कॉलेज में वर्थ इट नहीं होगा एडमिशन लेना,
ठीक है, सो ये आपको आउटकम उतना अच्छा नहीं देगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आपको इस कॉलेज के लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने इस कॉलेज के लेकर सब कुछ बता दिया, स्टूडेंट रिव्यू मैंने अपना रिव्यू बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल बनाया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।